हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पकोड़े, आलू के पकोड़े। और आलू के पकोड़े तो हर कोई ही जानता ही है, तो बस मैं वही नाश्ते में ऐसा यही बना रही थी। तो इसके लिए मैंने बेसन लिया है। बेसन में हरी मिर्ची और प्याज और आलू, लाल मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला और हरे धनिया, मतलब ये सब मैंने इसमें डाला है। और अच्छे से फेंट के फिर मैं, और इसमें थोड़ा सा मैंने तेल भी डाला है, जिसे ना टाइट नहीं होंगे और पतला सा करके। और फिर मैं ये बना रही हूँ आलू प्याज के पकौड़े। तो आ जाइए आप लोग भी, नाश्ता कर लीजिए आलू के पकौड़े का। किस किस को पसंद है आलू के पकोड़े? और ये चीज़ ना बरसात में कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो बस मैं प्लेट में निकाल रही हूँ आलू के पकोड़े, क्योंकि मुझे पापा को देने जाने हैं। पापा मांग रहे हैं आज, तो बस वही मैं उनको देने जा रही हूँ। तो मैं उनसे पूछा था, मैंने कहा और साथ में क्या लेके आऊँ, सॉस लेके आऊँ या कुछ और, तो बोल रहे थे दही लेके आओ। और वाकई में दही से पकौड़ी बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये देखो इसका टेक्सचर रखा है, और मैं ऐसे ऐसे चमचे से डाल रही हूँ। थोड़ा बड़े बड़े ज़रूर डल रहे हैं, लेकिन अच्छे बन रहे हैं। और ना मैं हाथ से इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि इसमें लाल मिर्ची डली है ना, तो लाल मिर्ची डालूँगी तो मेरे हाथों में लगेगी, तो फिर वो सब्यक भी लग जाएगी, इसलिए मैं चमचा से ही डाल रही हूँ। थोड़े बड़े ही बन रहे हैं, और पर ठीक है, मिर्ची से तो बच ही जाएंगे। तो आ जाइए आप भी दही से पकौड़े खाने। किस किस को पसंद है दही से, दही के साथ पकौड़े, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरा भी मन था दही से पकौड़े खाने का, पर फिर मैंने खाए नहीं, क्योंकि मुझे जुकाम हो जाता है। असभ्या को भी नुकसान हो जा करेगा, दही खा लूँगी तो इसे जुकाम हो जाएगा, तो फिर मैंने दही से नहीं खाया। तो आप लोग देख लीजिए मेरे पकौड़े तैयार हैं दही के साथ। आ जाइए जल्दी जल्दी। और देखो यहाँ पे मैं नहा के जा रही हूँ पूजा करने, तो अब मैं आ गई हूँ पूजा करने। वैसे पूजा हो चुकी है, पूजा मतलब जो भगवान नहलाए जाते हैं ना, सुबह सारे कपड़े वपड़े निकाल के नहलाते हैं, तो वो पूजा हो चुकी है। भगवान को नहला दिया गया है, बस सारा कुछ हो चुका है। तो बस मैंने ऐसे ही, क्योंकि बार बार भगवान को नहलाते नहीं है ना, एक बार ही नहलाते हैं, तो मैंने थोड़े से पानी के छींटे दिए हैं। और बस ऐसे चंदन लगा के, और मैं घी का दीपक जलाऊंगी, और मैं अगरबत्ती और धूप बत्ती कुछ भी नहीं जलाती हूँ, मैं ओनली घी का दीपक ही जलाती हूँ। मेरी तो सिंपल सी पूजा है, कुछ मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, तो बस मतलब थोड़ी सी पूजा करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। जो बस ये है ना, किसी के साथ बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, पूजा से कुछ नहीं होता है। भगवान तो वैसे ही हो जाते हैं, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक एक घंटे तक पूजा करते रहो, तो बस वो काम तो मैं नहीं करती हूँ। एक एक घंटे तक मैं मंदिर में नहीं बैठती हूँ, बस मेरी तो छोटी सी पूजा है, बस मैं तो उसी में अपने भगवान को खुश कर लेती हूँ, बस यही है। मैं किसी के बारे में ना ही बुरा सोचती हूँ, ना ही किसी का बुरा करती हूँ, तो और बस और ज़्यादा पूजा तो मैं नहीं करती हूँ, यही मेरी पूजा है। ना ही किसी को बुरा करो, ना ही बुरा सोचो, तो बस मेरी पूजा यही है। तो यहाँ पे मैं दुर्गा चालीसा कर रही हूँ, मैं दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करती हूँ, तो बस मैं वही करती हूँ, दुर्गा चालीसा का पाठ करूँगी और गीता पढ़ती हूँ, बस यही मेरी पूजा है। गीता का पाठ करूँगी और दुर्गा चालीसा पास, इसके अलावा और मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। बस थोड़ी सी मेरी छोटी सी मेरी पूजा है, मैं ज़्यादा मन ही करती हूँ कि एक एक घंटे तक मैं भगवान के मंदिर में बैठी रहूँ, नहीं भाई मैं नहीं बैठती हूँ। तो और अब मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी भी करना होता है,
मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बना पाया, जितना मतलब जितनी वीडियो बनी थी बस मैंने वही बना ली। तो और पता नहीं उसे जाने क्या हो जाता है, समझ में ही नहीं आता। रोज रोज तबीयत खराब हो जाती है उसकी, तो मुझे उसे डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। तो देखते हैं आज मैं जाती हूँ या नहीं, अगर मैं जाऊँगी तो मैं आप लोगों को बता ही दूँगी। तो मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, ना ही वीडियो को फुल वॉच करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो, ना ही मुझे कोई कमेंट करता है। प्लीज़ कमेंट, जो जो मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कर दिया करें, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो इन लोगों ने मेरी वीडियो देखी तो मुझे कमेंट किया है, और मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कमेंट करोगे आप लोग। तो बस अब मैं यहीं पे करती हूँ इसका एंड। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।